तो इसका मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ कि आप फ्राई टू फिंगरलिंग में आप बच्चे को कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आप अपने फ्राई जो मछली है उसको फिंगरलिंग के साइज में कैसे बदल सकते हैं। इसके लिए अपन रीरिंग तालाब का यूज करने वाले हैं और इस तालाब का एरिया कम से कम 0.5 to 1 हेक्टेयर का होना चाहिए। हमारा जो नर्सरी फेज का तालाब था वो 1 एकड़ के बीच में था, लेकिन ये 0.5 to 1 हेक्टेयर मतलब इस तालाब का साइज है वो थोड़ा सा बढ़ गया है और इसका वाटर डेप्थ कम से कम 1.2 मीटर से 1.5 मीटर के बीच अपने वाटर का डेप्थ होना चाहिए। देखिए अपन रीरिंग तालाब को भी 3 फेज में डिवाइड करने वाले हैं, प्री स्टॉकिंग, स्टॉकिंग और पोस्ट स्टॉकिंग। प्री स्टॉकिंग का मतलब यह है कि अपन तालाब को प्रिपेयर करने वाले हैं फ्राई को डालने से पहले ही। इसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले तालाब को सूखा करके उसका प्लगिंग करवाएंगे, उसका जुताई करवाएंगे। जुताई करवाने के बाद क्या करेंगे, 2 दिनों के पश्चात आप 30 सेंटीमीटर उसमें पानी फिल करके, दोस्तों 30 सेंटीमीटर पानी फिल करने के बाद अपन क्या करेंगे, उसमें कम से कम 12 क्विंटल है वो पोल्ट्री मेन्योर डलवाने वाले हैं और पोल्ट्री मेन्योर डलवाने के कम से कम 3 से 1 हफ्ते के पश्चात अपन उसमें लाइमिंग ऐड करवाने वाले हैं। हम उसमें 80 किलो पर एकड़ के अनुसार अपन उसमें चूना ऐड करवाएंगे और इसके बाद क्या करेंगे, अपने तालाब में फिर से वही प्लैंकटन का चेक करेंगे। अच्छे से लेवल बनने के बाद अपन क्या करेंगे, उसमें फ्राई को ऐड करने वाले हैं। तो कम से कम हम 1 एकड़ के तालाब में कम से कम 80,000 से 1,20,000 फ्राई को अपन ऐड करवा सकते हैं अपने तालाब में। दोस्तों फ्राई मछली को ऐड करने के बाद अपन क्या करेंगे, अपन उनको फीडिंग कराएंगे। इसका एक स्ट्रेटेजी है, आपको क्या करना है, हमारा जो रीरिंग फेज है दोस्तों वो 45 दिन से 2 महीने के बीच चलता है और इसके लिए अपन उसको फीडिंग का अपन 3 स्टेज बनाए हैं। पहले मंथ में आपको 10% बॉडी वेट के अनुसार अपने फ्राई को फीडिंग कराना है, दूसरे महीने में कम से कम आपको 8% बॉडी वेट के अनुसार फीडिंग कराना है और तीसरे महीने में कम से कम 6% बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको फीडिंग कराना है। रीरिंग फेज है वो 45 दिनों का या फिर 2 महीने का होता है, तो इसको अपन या तो 15-15 दिन में अपन जो परसेंटेज है उसको कम कर सकते हैं या फिर महीने में कम कर सकते हैं, आप जितना, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कल्चर पीरियड को कितना जल्दी कंप्लीट करते हो। अगर आपके रीरिंग तालाब में प्लैंकटन की कमी हो जाती है तो उसकी पूर्ति के लिए इसमें भी अपन फेज मैन्योरिंग करने वाले हैं। इसके लिए अपन क्या करेंगे, 200 किलो पोल्ट्री मैन्योर और 10 किलो यूरिया और 5 किलो सिंगल सुपर फास्फेट को अपन एक गड्ढे में क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे और उसका अपन एक स्लरी प्रिपेयर करेंगे और 1 हफ्ते तक उसको फर्मेंटेड होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जहां भी आपको प्लैंकटन का लेवल कम लगा तो उसको अपन क्या करेंगे, उसको अपने तालाब में आपको 3 पार्ट में डिवाइड करके उसको अप्लाई करना है और देखिए आपके तालाब में नेचुरल प्लैंकटन है वो अच्छे से बना रहेगा और आपका जो फ्राई है उसको अच्छे से फीडिंग मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको अपने तालाब का सैंपलिंग भी करके देखना है 15 दिनों में एक बार, ताकि आप जितना फीड दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मछली का जो ग्रोथ हो रहा है कि नहीं उसको चेक करने के लिए, क्योंकि क्या है, फीडिंग के वेस्टेज की वजह से जो ऑर्गेनिक लोड है अपने तालाब में वो बढ़ सकता है और जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन का डिप्लेशन हो सकता है। तो उसके अलावा आपको कम से कम 15 दिनों में एक बार 80 किलो चूना भी अपने तालाब में ऐड करवाना है ताकि पानी का पीएच है वो मेंटेन रहे। फ्राई को कम से कम अपन 2 से 2.5 महीना रीरिंग तालाब में अपन कल्चर करते हैं और उसका साइज जब 80 से 100 एमएम के बीच हो जाता है दोस्तों तो उसको अपन फिंगरलिंग बुला सकते हैं। इसका भी अलग अलग फेस है, एडवांस फिंगरलिंग, फिंगरलिंग। आपका कम से कम 100 एमएम के बीच अगर आपके मछली का साइज आ चुका है तो वो फिंगरलिंग कहला सकता है। अब उसको आप सेल करने के लिए वो रेडी है या फिर उसको अपन ग्रो आउट तालाब में ट्रांसफर करने के लिए भी वो बच्चा रेडी है। तो दोस्तों ये रहा मछली के बच्चे का पालन, को अपने 2 फेज में जाना है। पहला फेज था नर्सरी फेज, दूसरा फेज अभी हमने बात किया है रीरिंग फेज का। इसके अलावा ग्रो आउट फेज आता है, मतलब फिंगरलिंग को अपन 1 किलो साइज को चेंज करने के लिए अपन दूसरे अलग तालाब का यूज करते हैं जिसको अपन ग्रो आउट पॉन्ड बोलते हैं। तो दोस्तों अगर मछली पालन और आपके आईएमसी बच्चे से रिलेटेड कुछ भी क्वायरीज होगा, कुछ भी डाउट्स होगा कि आपको अपने स्पॉन को बड़ा कैसे करना है या फिर फीडिंग कैसे कराना है, इससे रिलेटेड कुछ भी आपके मन में डाउट होगा उसको आप कमेंट करके पूछिए, मैं उसका आपको जवाब देने वाला हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।